मंगल या चांद पर जो अंतरिक्ष यान गए हैं, क्या वे वहां 5,000 साल तक रहते हैं? आपका प्रश्न विचार करो, ड्रामा 5,000 साल का है, तो वहां 5,000 साल तक यदि रहते हैं तो फिर उनको भेजने की क्या थी? ड्रामा की एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि ड्रामा हर 5,000 साल में हूबहू रिपीट होता है। इस शब्द को आपने ध्यान नहीं दिया, हूबहू रिपीट होता है। हर 5,000 साल बाद जिस समय आज की डेट में जिस समय यहां से जो अंतरिक्ष यान जिस सेकंड भेजा गया, ठीक उससे 5,000 साल बाद उसी सेकंड उस अंतरिक्ष यान को उसी प्रकार से बनाकर जरा भी एक छोटा सा एटम भी, परमाणु भी कम या ज्यादा नहीं होगा। हर 5,000 साल बाद वो उसी समय उसी तरीके से भेजा जाएगा। और इस समय यही प्रश्न आप मुझे लिखकर भेजेंगे और इसी प्रश्न को इसी समय जिस समय आप इसे पढ़ रहे हो ठीक 5,000 साल बाद हर बार पढ़ते हैं। कभी भी आगे पीछे नहीं हो सकता, पहले और देर से नहीं हो सकता। तो 5,000 साल वहां नहीं रहता, परंतु हर 5,000 साल बाद जाता है। ना केवल ये ग्रह, ये हमारा भेजा गया अंतरिक्ष यान जाता है, बल्कि सारे के सारे जितने भी ग्रह हैं, सोलर फैमिलीज हैं, वो भी ठीक उसी सेकंड वहीं होंगे जहां इसी सेकंड है। हर बार वहीं पर होंगी और हर बार उसी प्रकार से ही वो काम करे। जिस प्रकार से अब उन्हें देखा जा रहा है वैसे ही उन्हें देखा जाएगा। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या अपना प्रश्न 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।